वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने होटल में की अनूठी पार्टी, भोजन के साथ किया गया सम्मान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में श्री हरि वृद्ध आश्रम के निराश्रित, निर्धन और बेसहारा बुजुर्गों की अनोखी होटल पार्टी हुई, जिसमें उन्होंने एक आलीशान होटल में गर्मा गर्म दाल वाफले और लड्डुओं का न केवल सेवन किया, बल्कि होटल में बुजुर्गों ने गाने गाकर डांस भी किया। इस दौरान होटल संचालक ने बुजुर्गों को उनके उपयोगी उपहार भेंट किए और फूल मालाओं से स्वागत किया। अवसर था विदिशा जिला मुख्यालय के होटल राजावत के 10 वर्ष पूर्ण होने का। गौरतलब है कि जहां एक और 50 से अधिक इन बुजुर्गों को उनकी ही अपनी संतानों ने केवल तिरस्कृत किया, बल्कि उनके साथ मारपीट करके वृद्धाश्रम आने के लिए मजबूर किया, वहीं होटल राजावत द्वारा समाज के बुजुर्गों की सेवा और सम्मान का ऐसा नायाब उदाहरण निश्चित ही आज के युवाओं के लिए प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मंत्री प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भगवान राम ने जहां केवट को गले लगा करके और सबरी के जूठे बेर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था, वहीं ऐसा ही संदेश विदिशा की होटल राजावत में चरित्रार्थ हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई ने विदिशा के श्रीहरि वृद्ध आश्रम की अनुपम सेवा को समाज के लिए एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्रीहरि वृद्ध आश्रम के संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने होटल संचालक की इस सेवा को एक अनूठी पहल बताया। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। होटल राजावत के 10 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रिय छोटे भाई महिपाल जी, उनके बड़े भाई हमारे आदरणीय गजेंद्र भाई साहब द्वारा 10 वर्ष पूरे होने पर एक बड़ा अनूठा आयोजन उन्होंने किया है। शहर के लोगों को तो उन्होंने आमंत्रित किया ही है, लेकिन जो वृद्धाश्रम में दुर्भाग्य से कुछ हमारे लाचार बेबस बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भोजन कराने का काम उन्होंने बहुत ही आत्मा से, बहुत ही सम्मान के साथ, जो उन्होंने इस तरह से भोजन कराने का काम किया है, वास्तव में मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसा ही उन्होंने जो हमारे मूक बधिर संस्था है, उनके जो बच्चे हैं उनको भी भोजन कराने का काम किया है। बहुत सारे हमने आयोजन देखे हैं, इस तरह के जो सालाना महोत्सव होते हैं व्यापार व्यवसाय के, लोग 5-स्टार होटलों में, बड़े बड़े होटलों में आयोजन कर लेते हैं, लेकिन एक इंसानियत और मानवता का जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, गरीब लाचार बेबस लोगों को जिनका कोई नहीं है, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनको अपनेपन का भाव दिखा करके, उनको अपने माता पिता तुल्य मान करके जिस तरह से आयोजन किया, वास्तव में मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। अद्भुत यह आयोजन है, मेरी तरफ से इस प्रतिष्ठान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह प्रतिष्ठान खूब फले फूले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। ये जो कार्यक्रम राजावत होटल की तरफ से आज आयोजित है, ये एक अनूठा कार्यक्रम भी है और अनुकरणीय भी है। अनूठा इसलिए है कि आमतौर पर लोग दान तो बहुत करते हैं, भोजन भी कराते हैं लोगों को, लेकिन अपने संस्थान में बुलाकर और सम्मान के साथ वृद्ध व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को अपने साथ भोजन कराने का ये जो पहल हुई है, ये बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। इसमें आत्मसंतोष भी मिलता है और जिन व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम निस्संदेह प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और आपने मानव जीवन पाया है, आप ये मत सुनता कि आपका कोई सहारा नहीं, सबका सहारा ईश्वर होता है, लेकिन इस धरती पर भी लोग होते हैं जो सहारा देते हैं, वो ईश्वर नहीं तो ईश्वर के दूध जरूर है। ऐसे ईश्वर के दूध में से एक व्यक्ति का शर्मा भी है जो सहारा देते हैं। तो ये इतना हिंदू धर्म ऐसा ही है कि जिसमें कभी ये भेदभाव नहीं रखा, जहां राम केवट को अपने
पैसे लगाते हैं और यही परमा प्राप्त कर रहे हैं। सबरी आदिवासी महिला उसके झूठे बेर था, झूठे बेर था, ऐसी समरसता कितना भी लोग प्रचार कर लें और खूब नाटक कर लें, लेकिन ऐसी समरसता जो भगवान राम ने दिखाई है वो नहीं मिल नहीं सकती। ऐसी समरसता भगवान कृष्ण ने भी दिखाई है। जब का काम शुरू हुआ और काम बांटे गए सब लोगों को, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग का काम आप लोग, उन्होंने कहा कि मैं झूठी पतले उठाऊ। देखो भगवान कह रहे जब झूठी पतले उठाए